आगे बढ़ते हैं। जयपुर में हुई भीषण बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश ऐसी हुई कि गाड़ियां पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आई, लेकिन अब बारिश के बाद सैकड़ों गाड़ियां जमीन के अंदर मिट्टी से खोद कर निकाली जा रही हैं। बारिश के बाद तबाही का मंजर, घर के बाहर जमींदोज का मिट्टी से खोदकर निकाली गई बाइक। बारिश ने जयपुर की सड़कों और गलियों को दरिया में तब्दील कर दिया था। बारिश का पानी तो कम हो गया, लेकिन उसके निशान काफी भयावह है। बारिश का पानी तो चला गया, लेकिन वो बर्बादी के निशान छोड़ गया। कहीं कार, कहीं टेम्पो, कहीं बाइक, सब बारिश के बाद मिट्टी में जमींदोज हो गए। बारिश के पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ कई टन मिट्टी भी बहा कर लाया, जिसने पूरे इलाके में बर्बादी मचा दी। लोगों के घरों के सामने मिट्टी के टीले बन गए हैं। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को मिट्टी ने अपने आगोश में ले लिया। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और आप अगर अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है और किस कदर एक तबाही का मंजर यहाँ जयपुर में देखने को मिला है, तो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये जो आप देखिए मकान का गेट है, आप इसको यूँ समझें, ये मकान का गेट है, दरवाज़ा है, और यहाँ से मिट्टी हटाई गई है, यानी कि इतना नीचे अभी और दबा हुआ है, जितनी आप हाइट ये देख रहे हैं उससे नीचे दबा हुआ है ये गेट। पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। सड़क हो या फिर घर, चारों तरफ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस हैं। लोग बता रहे कि वहाँ से ऊपर से मिट्टी के टीले बहकर बहते हुए यहाँ पर आए, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप जहाँ खड़े ना, इसके 5 फीट 6 फीट नीचे रोड है। मिट्टी पानी के साथ आई है सर, बहुत ज़्यादा। मतलब ये देख लो, अगर रात का मंजर होता तो निकल भी नहीं पाते हम, वो तो दिन में था, जो ऊपर वाले ने कुछ बच गए। सर एक गायब गाड़ी यहीं खड़ी कर रखी थी, ये तो पता नहीं है ये गाड़ी यहाँ मिल जाएगी, वो तो खोदा, उसको चेक किया जब यहीं मिल गई गाड़ी। मिट्टी आई कैसे? इधर कोई बांध था वहाँ से टूट गया, तो इधर मिट्टी थी टीले, वो बह के सारी इधर आ गई। बारिश की मार झेल रहे लोगों के लिए सरकार राहत पहुँचा रही है। इलाके के विधायक रफी खान ने मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया। इसकी साफ सफाई कराई जाए, मिट्टी हटाई जाए, उसके लिए डंपर लगवा दिए, ट्रॉलीज और जेसीबी लगवा दी गई है, ट्रॉली और डंपर और सफिशियंट मात्रा में लगाए जा रहे हैं। तीसरा, इनके खाने पीने की व्यवस्था, तो खाने पीने की व्यवस्था चालू कर दी गई है। अभी करीब 1000 आदमियों का खाना भी आ चुका है, बंटना शुरू हो गया मेरे सामने, और होपफुली किसी को भी, जैसा हमारे मुख्यमंत्री का संदेश है कि किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, तो किसी को भी नहीं रहने दिया जाएगा, मतलब नहीं रहने दिया जाएगा, तो खाने का इंतजाम कर दिया गया है। जयपुर में हुई भीषण बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया, तो राजस्थान सरकार और नगर निगम के सारे दावों को बारिश का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।